हटो भैया हटो। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जिंदा है? यस सर। नो प्रॉब्लम। लगता तो यही है, लेकिन ये अस्पताल में क्या कर रहा है? लगता है राय बहादुर का आदमी है। पूछना पड़ेगा। हेलो। कैसे हो बेटे, आप तबीयत कैसी है? कुछ दिनों का मेहमान है सर, बचने का कोई चांस नहीं। क्यों, ऐसी क्या बीमारी हो गई है इसे? ये पूछिए कौन सी बीमारी नहीं है इसे। सब सब केले की वजह से। केले? केले की वजह से? एक दर्जन केले खा लिए। एक दर्जन केले? सर्दी हो गई। सर्दी? सर्दी का इलाज कराया तो बुखार हो गया। बुखार? बुखार की दवाइयां ली तो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड? टाइफाइड से निकला तो मलेरिया हो गया। मलेरिया? मच्छर बहुत है ना। फिर आगे क्या हुआ? पेट में दर्द शुरू हो गया सर। फिर एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाया तो अपेंडिक्स अपेंडिक्स कटवाया तो किडनी फेल। किडनी? और जब इसे पता चला कि किडनी फेल है इसकी सर, इसे हार्ट अटैक हो गया सर। हार्ट अटैक? डॉक्टरों ने कहा। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा? कि इसे इसे एड्स है सर। एड्स है इसे। और सब सब केले की वजह से सर। केले की वजह से? केले की वजह से? नहीं खाऊंगा कभी केले, नहीं खाऊंगा। मैं चलता हूँ सर। यहाँ एड्स? 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 चलता हूँ बेटे। जा रहे हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? कफन लेने। क्या? फोन करने। फोन करने? हाँ आता हूँ। चलता हूँ चलता हूँ। साला भाग गया। क्या कह रहे हैं आप डैडी? बेटी उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अरे मैंने उसे देखा है, अच्छी खासी बीमारियों का गोदाम है उसका शरीर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, हो सकता है वो कोई और हो। वो वही है जिसकी तस्वीर तुमने मुझे दी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डैडी, आप वही रुकिए, मैं हेलीकॉप्टर से पहुँचती। नहीं बेटी वहाँ नहीं, यहाँ यहाँ इस तरफ। डैडी आपने तो कहा था उसे ढेर सारी बीमारियां हैं, तो उसे आईसीयू में होना चाहिए था। ये जनरल वार्ड में कहाँ ले आए हैं आप? बेटी उसे बहुत सारी जनरल बीमारियां हैं। ओह माय गॉड। ये रहा। चलो 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 चलो। अजय अजय। पूजा तुम? मुझे डैडी ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। कौन डैडी? राय बहादुर? नहीं नहीं, मैं हूँ इस बदनसीब बेटी का बाप। बेटे अगर तुम्हारे 1% बचने का भी चांस होता ना तो मैं अपनी सारी दौलत तुम पर लुटा देता, अपना प्रेस बेच देता, अपने आप को बेच देता, लेकिन तुम तो गॉन केस हो बेटे। डैडी। ओह आई एम सॉरी। नहीं। एज एज एज। बताओ ना अजय क्या हो गया है तुम्हें? मैं बताता हूँ। राज तुम यहाँ? हाँ ऐसे गुप्त रह गए। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ समस्या क्या है। आइए आइए। चलो कम चलो चलो बेटी चलो। गॉड ब्लेस यू माई सन। सॉरी प्लीज डोंट माइंड। फिर एक दर्जन केले खाओ खाओ, अब क्या फर्क पड़ने वाला। अच्छा तो ये कहानी है, इसलिए तुम दोनों को ये ड्रामा खेलना पड़ा। और ये सला लाल बहादुर, राय बहादुर, राय बहादुर अस्पताल की आड़ में ये गुल खिला रहा है। बस अब उसके काले कारनामों से मैं पर्दा हटा कर ही रहूंगा और मेरा अखबार यूं बिकेगा यूं। देखिए अंकल आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, अभी अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है वो, उसे ठोस सबूत ढूंढने दीजिए, उसके बाद आपको जो लिखना है अखबार में लिख लीजिएगा। राज ठीक कह रहा है डैड, आपकी एक गलती से अजय के किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। केले ले 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 ले। चाय के साथ केले, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? क्यों आपको कोई एतराज है? नहीं मुझे क्या, खा ले बेटे खा ले, अस्पताल पूरा खाली पड़ा हुआ है। चाय? एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए, आप जरा चाय बनाइए। हाँ जरूर, रहने दो रहने दो, मैं बना देता हूँ। दीदी ने बनाने दीजिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है, बहुत अच्छी चाय बनाती है, बनाइए ना। ओह श्योर। दो चम्मच चीनी, मुझे मीठा बहुत पसंद है। दूध भी डालिए ना। जी डालती हूँ। जरा हिला दीजिए ना। राज चाय इसीलिए बनवाई जा रही थी ना? नहीं मैं वो
किसी ने हमें देखा तो नहीं? नहीं, हम तीनों में से किसी ने नहीं देखा। गुड, अब चाय पीजिए, मैं गाना गा के आता हूँ। गाना? यस, अटैक। ओके।